तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के काफी बड़े क्षेत्रफल पर खेती होती है, तो हमें काफी ऑप्शन मिल जाते हैं बिजनेस करने की खेती से जुड़े हुए। कुछ ऐसे ही मैं आपको 10 बिजनेस बताने वाला हूँ जिसे आप अपने गाँव शहर कस्बे में कर सकते हैं और काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कौन से वो 10 बिजनेस हैं। तो दोस्तों, खेती से जुड़ा हुआ सबसे पहला बिजनेस आता है, वो है दोस्तों मशरूम फार्मिंग बिजनेस। आप सभी को पता है कि मशरूम कितना महंगा बिकता है और मशरूम जो है वो शुद्ध शाकाहारी मीट भी कहा जाता है मशरूम को। आप खुद समझ सकते हैं कितना महंगा मशरूम बिकता है और इसमें खर्चा ज्यादा नहीं आता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, दिमाग से आपको खेती करनी होती है। काफी ज्यादा पैसा आप मशरूम से कमा सकते हैं, 150 से 200 रुपए किलो तक आपका मशरूम चला जाएगा और काफी पैसा आप इससे कमा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मशरूम खेती करना पसंद है, क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं इस बिजनेस को तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो बना के दे दूंगा केवल एक ये मशरूम के खेती पर, मशरूम के बिजनेस पर, और सब कुछ आप उससे जान लेंगे कैसे आप मशरूम को उगा सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि दूसरा बिजनेस कौन सा है जिससे आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो बिजनेस आता है वो भी काफी प्रचलित बिजनेस है दोस्तों, वो बिजनेस है मधुमक्खी पालन का। दोस्तों आपको सबको पता होगा कि शहद हमारे लिए कितना लाभदायक है और कितना जरूरी हो गया है। शहद हर कोई खाना चाहता है और शहद की कीमत आपको समझ सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500 जैसा भी आपको मिल जाए, आप शहद को खरीदना चाहते हैं और शहद काफी महंगा भी मिलता है दोस्तों। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसका बिजनेस कर सकते हैं और मेडिकल जो दवाइयां होती हैं उसमें काफी ये शहद उपयोगी होता है, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि केवल शहद से ही आप पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस में, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि आपको पता नहीं है, मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे दूंगा मधुमक्खी पालन पर अगर आप ये करना चाहते हैं तो। मधुमक्खी से काफी ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि लाखों में इसकी कीमत होती है, लाखों रुपए किलो वो प्रोडक्ट बिकते हैं। मैं आपको पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा जिससे कि आप काफी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे इस बिजनेस से और अपना बिजनेस खोल पाएंगे। इसके लिए आप कब छोटी सी जगह में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरा बिजनेस कौन सा है जिससे आप अपने गांव में रहकर काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे बिजनेस की। तो दोस्तों, तीसरे नंबर वाला बिजनेस भी काफी फायदे वाला बिजनेस है, काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस बिजनेस का। ये भी खेती से जुड़ा हुआ ही एक बिजनेस है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुर्गी पालन की। मुर्गी पालन आप खुद समझ सकते हैं कितना ज्यादा पैसा देने वाला बिजनेस है, आप कम और ज्यादा पैसा में इसे खोल सकते हैं। आप कम बजट वाला भी मुर्गी फार्म खोल सकते हैं, ज्यादा बजट वाला भी मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। जैसा आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हो आप वैसे मुर्गी फार्म को खोल सकते हैं। दोस्तों ये मुर्गी होती है जो 40 दिन में तैयार हो जाती है, 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और काफी ज्यादा पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों जो मुर्गी होती है उसके लिए दाना जो होता है वो खेती से ही, ज्यादातर खेती का ही वो खाती है, और आप इसे ऐसे एक फार्म भी बना सकते हैं और ऐसे आप अपना एक कोई कमरा जैसा है वहां पर भी आप लगभग 50 से 100 मुर्गी रखकर आप उन्हें भी पालन कर सकते हैं और काफी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले आप कोई छोटा पालन करें और इसकी सुरक्षा के लिए काफी दवाइयां भी प्रयोग में करी ली जाती हैं। तो आप अगर इस पे वीडियो चाहते हैं कि आप कैसे मुर्गी पालन कर सकते हैं, सब कुछ आपको बता देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हमारे इस चैनल पर एक ऐसा इंटरव्यू आने वाला है जो कि मुर्गी पालन पहले से कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। दोस्तों ये मुर्गी पालन दो तरह के होते हैं, एक कंपनी करवाती है, एक आप खुद अपना मुर्गी पालन खोल सकते हैं। कंपनी के द्वारा कैसे मुर्गी पालन खोल सकते हैं और अपना मुर्गी पालन कैसे खोल सकते हैं, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। और आप कमेंट कर दो कि आपको कुछ अलग चाहिए तो मैं आपको वीडियो में जोड़ दूंगा। चलिए बात करते हैं आप चौथा बिजनेस कौन सा है जिससे आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी दोस्तों हमारे कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस। चलिए बात करते हैं चौथे बिजनेस की। तो दोस्तों चौथा बिजनेस जो है वो है दोस्तों मछली पालन। आप सबको पता होगा कि मछली कितनी महंगी बिकती है और कितना इसका मतलब उत्पादन काफी ज्यादा होता है मछली का और काफी महंगी भी बिकती है। आपके आसपास जो मार्केट होगी, बाजार होगी, वहां पर आपको पता होगा कि मछली की पूर्ति भी नहीं पड़ पाती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो शायद आप अगर ना खाते हो, लेकिन अगर आप क्या नाम है मछली खाते हैं तो आपको पता होगा उसकी कीमत क्या होती है। काफी ज्यादा पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं मछली पालन से। दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन के साथ साथ आप मछली पालन भी कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एक वीडियो ऐसी बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप मछली पालन करें और साथ में मुर्गी पालन करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सबको बता दूं कैसे आप साथ में मुर्गी पालन और मछली पालन कर सकते हैं। आपको मछली के लिए अलग से चारे की ज्यादा जरूरत नहीं होती, जो मुर्गी होती है उसके लिए एक ऐसा जाल सा बनाया जाता है, उस पर वो नीचे आप समझते बीट करती रहती है और वो मछली उसे खा लेती है और मछली उससे काफी मतलब बड़ी होती रहती है, ऐसा मैंने देखा है मुर्गी पालन का। और दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं मुर्गी पालन के साथ में मछली पालन और काफी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप खोलना चाहते हैं मछली पालन मुर्गी पालन दोनों साथ में, तो आप बता दें मुझे, मैं ऐसी वीडियो आपको बना दूंगा। चलिए बताते हैं आपको कि पांचवा बिजनेस कौन सा जिसे करके आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस है और आप इसे गांव और शहर में आसानी से कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कौन सा है पांचवा बिजनेस। दोस्तों पांचवें नंबर पर आता है बकरी पालन। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, बकरी पालन से आप एक एक
साल में लगभग 2-2, 10-10 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मैंने ऐसे किसानों से मिला हूं, मैं ऐसे फार्मरों से मिला हूं जो कि काफी ज्यादा पैसा इस बिजनेस से कमाते हैं। दोस्तों ये बिजनेस मैंने भी करने की सोची थी लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन आगे चलकर मैं इस बिजनेस को करूंगा। काफी ज्यादा पैसा इस बिजनेस से आप कमा सकते हैं। दोस्तों आप शुरू में कोई छोटा ऐसा बाड़ा सा खोल सकते हैं, छोटा एक फार्म खोल सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उस बाड़े को, उस फार्म को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ऐसे ही एक आदमी से मिला था जो कि इस बिजनेस को कर रहा था। उसने बताया था मेरे पास लगभग 2 से 3 बकरी थी, लेकिन उन्होंने 2 साल में कम से 40 से 50 बकरी उनके पास में हो गई और लेते गए बकरियों को, बेचते गए, तो काफी बड़ा उन्होंने बिजनेस कर लिया। तो दोस्तों इस बिजनेस से काफी मुनाफा होने वाला है, काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आप इसे कम जगह में अपने आसानी से अपने गाँव या शहर कस्बे में खोल सकते हैं और काफी अच्छे तरह से आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए कि आप हाँ ये बकरी पालन करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को दबा दिया करो, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। चलिए बात करते हैं अब कौन सा वो छठा बिजनेस है जिसे करके आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए छठे बिजनेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों छठे नंबर पर आता है बर्मी कंपोस्ट, जो खाद होती है बर्मी कंपोस्ट, देसी खाद जिसे हम कहते हैं, उसे बना के आप काफी पैसा कमा सकते हैं। काफी महंगी ये खाद बिकती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल रासायनिक खाद हमारे खेती में ज्यादा प्रयोग में लाई जा रही है, जिससे कि खेती बंजर होती जा रही है और दोस्तों काफी बीमारियां फैल रही है। दोस्तों उसी के चलते जैविक खाद काफी कम भी पड़ रही है, तो ये जैविक खाद की जरूरत काफी हो गई है। और दोस्तों धीरे धीरे सिक्किम राज्य तो खुद ही एक जैविक राज्य बन गया है, आप खुद समझ सकते हैं, उसमें रासायनिक बिल्कुल बंद हो गया है। तो धीरे धीरे ये सब में ये फैलने वाला है और जैविक खाद फैलने वाली है। तो जैविक खाद, ये वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, जैविक खाद होती है, इसे आप आसानी से अपने घर पे अपने खेत में आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये करना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको सबको बता दूंगा कैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, कैसे आप इसे बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इसे बेच सकते हैं, सबको बता दूंगा आप कैसे बोरे लाएंगे, कैसे बोरे में भर के कैसे बेच देंगे। दोस्तों काफी महंगी ये खाद बिकती है और दोस्तों ये एक रासायनिक खाद से काफी अच्छी खाद है, तो आप खुद समझ सकते हैं इसका फ्यूचर कितना है और ये कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है, काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब सातवें बिजनेस के बारे में जिससे कि आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सातवां बिजनेस कौन सा है, वो भी दोस्तों एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही बिजनेस है, काफी पैसा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन सा है सातवां बिजनेस। तो दोस्तों सातवें नंबर पर आता है दोस्तों डेयरी बिजनेस, आप खुद समझ सकते हैं डेयरी कितनी ज्यादा प्रचलित है और कितने ज्यादा ये बिजनेस प्रचलित है। आप डेयरी करके काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, दूध का उत्पादन करके काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब आप दूध उत्पादन करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों का भरोसा आप एक तरह से जीत सकते हैं, असली दूध देकर, असली दूध, असली घी, असली जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो देकर काफी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट में काफी नकली दूध आ रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि इतना हमारे यहाँ पर दूध उत्पन्न नहीं हो रहा उतना बेचा जा रहा है, इसका मतलब यही है कि नकली दूध हमारे देश में काफी मतलब बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। तो आप खुद असली दूध बेच के काफी पैसा कमा सकते हैं और डेयरी का बिजनेस बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं, अपने गाँव या शहर कस्बे में आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही जल्दी इस पर लॉन्ग वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक भाई का ऐसे इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ जो कि ये बिजनेस कर रहे हैं और काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों आप गाय भी पाल सकते हैं, काफी दूध देने वाली गाय होती हैं और उसका खर्चा काफी कम आता है, वो गाय काफी सस्ती भी मिल रही है। आजकल यूपी भी अगर आप हैं तो यूपी में काफी सस्ती भी गाय मिल रही है और जो योगी जी हैं उनकी तरफ से भैया 1500 रुपए मिल भी रहे हैं खाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं और काफी पैसा आप कमा सकते हैं इस बिजनेस से। आपको कैसा लगा डेयरी का बिजनेस, अगर आप करना चाहते हैं तो भैया लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दो। चलिए बताते हैं अब आठवां बिजनेस कौन सा जिसे करके आप काफी ज्यादा पैसा अपने आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों, वो भी एक एग्रीकल्चर से जुड़ा ही बिजनेस है। चलिए बताते हैं आठवां बिजनेस। तो दोस्तों आठवें नंबर पर आता है प्लांट नर्सरी का बिजनेस, आप खुद प्लांट नर्सरी का बिजनेस कर सकते हैं और काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों सबको पता है, आपको पता है कि आजकल सजावटी पौधे कितने जरूरत हो गई है, कितने हर कोई अपने फूलों से महकाना चाहता है अपने घर को और काफी पेड़ पौधे लगाना चाहता है। तो आप इनकी नर्सरी कर सकते हैं, काफी पैसा कमा सकते हैं और पेड़ पौधों की नर्सरी में इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। आप खुद समझते हैं बीज कितना सस्ता होता है और उसे उगाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आपके पास में थोड़ी बहुत जगह है तो आप इसे बहुत ही आसानी से अपने गाँव में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में जगह नहीं है फिर आप इसे रेंट पे ले सकते हैं, अपनी जगह को रेंट पे ले सकते हैं, उसमें आप नर्सरी का प्लांट लगा सकते हैं, काफी पैसा वहाँ पे कमा सकते हैं। और दोस्तों इसमें यह भी है कि आप फूल बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं, जो नर्सरी लगाएंगे उसके फूल बेचकर भी काफी पैसा कमा सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है और ये कभी भी बंद होने वाले बिजनेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों नर्सरी हवा से चलती है और आप खुद समझते हैं कि पर्यावरण के लिए ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है। तो ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप अगर इसे करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ही अच्छा मैं बिजनेस बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ, तो आप बेल आइकन को दबा दोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता इन वीडियो का।
फ्री में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए बताते हैं आपको नवा बिजनेस कौन सा, जैसे करके आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों नवे नंबर पे आता है तुलसी की खेती। दोस्तों अगर आपके पास में थोड़ी बहुत जगह है, जमीन है, तो आप तुलसी की खेती कर सकते हैं, वरना इस जमीन को आप रेंट पे भी ले सकते हैं और तुलसी की खेती कर सकते हैं। तुलसी का दोस्तों बहुत ही आप खुद समझ सकते हैं काफी बड़ा ये बिजनेस होने वाला है, काफी पैसा इसमें कमाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी का जो तेल बिकता है वो बहुत ही महंगा बिकता है, काफी महंगा तेल बिकता है, 2-3 हजार रुपए लीटर तेल बिकता है दोस्तों तुलसी का। और तुलसी बीमारियों में, मेडिसिन में, काफी ये दवाइयों में ये डाली जाती है तुलसी, और काफी इसका तेल डाला जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि भैया बीमारी तो बढ़ती जा रही है, बीमारी जितनी बढ़ेंगी तो आप ऐसे प्रोडक्ट हमेशा सेल होते रहेंगे। तो ऐसे आप ये इसका बिजनेस कर सकते हैं, तुलसी का बिजनेस कर सकते हैं, काफी पैसा इससे कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मेरे मामा के यहाँ पर भी ये तुलसी का जो बिजनेस है वो होता है, तुलसी की खेती करते हैं मेरे मामा खुद, तो वहां पर मुझे पता है कि काफी काफी पैसा इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए कैसे आप तुलसी की खेती कर सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे दूंगा इस पे कि आप जिससे कि अच्छे से तुलसी की खेती कर सके, कहाँ से आप पौध ला सकते हैं, कैसे आप पौध को अपने खेत में उगा सकते हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा। कितने रुपए लीटर तेल बिकता है, कहाँ पर तेल बिक सकता है, सब कुछ आपको बता देंगे। तो भैया ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है, अगर आप घर में करना, अपने गांव में करना चाहते हैं तो। चलिए बताते हैं दसवें नंबर पर जो बिजनेस आता है, लास्ट नंबर पर जो बिजनेस आता है वो कौन सा बिजनेस है, वो भी काफी अच्छा बिजनेस है। दोस्तों ये हमारे एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही बिजनेस आता है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, काफी पैसा इससे कमा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महंगा ये प्रोडक्ट बिकने वाला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एलोवेरा की खेती की। दोस्तों एलोवेरा आपको समझ सकते हैं कितना महंगा है भैया, बाबा रामदेव जब से आए तब से ऐसे प्रोडक्ट तो बहुत ही महंगे हो गए हैं भैया, और जो बाबा रामदेव के भैया प्रोडक्ट होते हैं उसमें एलोवेरा तो होता ही है, आपको समझ सकते हैं एलोवेरा काफी ज्यादा महंगा है, काफी दवाइयों में ये यूज होने वाला है। दोस्तों ऐसे भी एलोवेरा कहीं पर देखने को नहीं मिलता, किसी के घर में लगा हुआ हो तब भी देखने को मिलता है, और आप खुद समझ सकते हैं जिसकी आप खेती करने वाले हैं ये बहुत ही महंगा बिकता है, काफी रुपए किलो ये बिकता है, काफी मेडिसिन में पड़ता है। दोस्तों आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं तो भैया ऐसे नेचुरल इलाज हर कोई चाह रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कोरोना जब से आया है तब से नेचुरल इलाज हर कोई चाह रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट की जो है एलोवेरा है और जो क्या नाम है ग्लोय है, ऐसे प्रोडक्ट की काफी भैया कीमत बढ़ गई है, और काफी इनका मतलब डिमांड काफी बढ़ गई है मार्केट में, इतनी डिमांड है इसकी, बहुत डिमांड है, लेकिन कोई भी इस पर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ज्यादातर एलोवेरा कोई करता ही नहीं है, और जो करता है वो माली माल हो जाता है, काफी पैसा इससे कमा लेता है दोस्तों एलोवेरा की खेती से। तो दोस्तों ये था लास्ट दसवें नंबर पर ये बिजनेस था, काफी अच्छा है, अगर आपके पास में जमीन है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास में जगह नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप रेंट पे लेके इस बिजनेस को कर सकते हैं, काफी पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको ये बिजनेस लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, आपके लिए ये मेहनत की जा रही है, और ऐसी वीडियो मैं आपको अच्छी अच्छी लाता रहूंगा, अगर आपको गलत वीडियो लग रही है तो आप डिसलाइक कर दो भैया, आपकी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं हर जगह अपने खेत पर भी रहकर वीडियो बना लेता हूँ, ये मेरा खेती है, यहाँ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना लेते, कैसे वीडियो बना लेता, वो भाई आप कमेंट करते रहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मैं तो बस ये चाहता हूँ कि बस आपको जानकारी मिल जाए, जानकारी बस ये जानकारी महत्वपूर्ण होती है, ये नहीं कि आप पीछे देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, यही भी भाई हर कोई अपने गाँव में रहना चाहता है आप खुद समझिए, और हर कोई नेचर से मतलब मिलना चाहता है, तो मैं भी भाई नेचर में ही हूँ, नेचर में ही खड़ा हूँ, ये आपको समझना चाहिए कि हाँ भाई इससे अच्छा बैकग्राउंड और कोई नहीं हो सकता, ये भी आपको समझना चाहिए। तो आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, यही सब आपको बता रहा था, जय हिंद।